मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग मज़े में हो। अच्छा, हम आज सोमवार है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हिंदी विषय करने वाले हैं, है ना? तो चलिए आप लोग अपना कॉपी, है ना, और अपना इरेजर पेंसिल निकाल लिए। ठीक है, चलिए आज हम सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं आपको पता है? आज हम व्यंजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, व्यंजन में आपने सबसे पहला क्या शब्द सीखा है? क्या अक्षर सीखा है? क, है ना। आज क की पूरी लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं क से। फिर से पहचानिए बच्चों, ये कौन सी पक्षी है? सही पहचाना आपने, ये है कबूतर। क से कबूतर, बोलिए मैं इसके साथ में, क से कबूतर। चलिए अभी मैं इसके साथ बोलिए, क से कबूतर मन को भाए, गुटरगू गुटरगू गीत सुनाए। बोलिए मैं इसके साथ, क से कबूतर मन को भाए, गुटरगू गुटरगू गीत सुनाए। अब आता है अक्षर ख। ख, ख से खरगोश। ख से खरगोश, बोलिए मैं इसके साथ, ख से खरगोश। कौन सा शब्द आपने देखा? ख। ख से खरगोश दौड़ा आ जाता, पकड़ने किसी की ना ये आता। ख से खरगोश दौड़ा जाता, पकड़ने किसी की ना ये आता। बताइए बच्चों, ये अक्षर कौन सी है? ये है ग। ग से गमला। आपके बगीचे में सुंदर सुंदर गमले हैं ना, ग से गमला। कौन सा अक्षर आपने देखे? ग। ग से गमला फूलों को बाता, बोलिए ग से गमला फूलों को बाता, घर आंगन की शान बढ़ाता। एक और बार, ग से गमला फूलों को बाता, घर आंगन की शान बढ़ाता। अब आया अक्षर घ। घ से घर। घ से घर, जिसमें हम सब लोग रहते हैं, सुंदर सुंदर घर, है ना। अब आई घ की बारी। घर, घ से घर है कितना प्यारा, मेरा घर है सबसे न्यारा। घ से घर है कितना प्यारा, मेरा घर है सबसे न्यारा। चलिए अभी आप लोगों को भी बोलना है ना बच्चों? बताइए ये शब्द कौन सी है अक्षर? ये अक्षर है अंगा। अंगा, अंगा का घर है खाली, दे ताली दे ताली। अंगा का घर है खाली, दे ताली दे ताली। उम्मीद करती हूँ आप ये पंक्तियों के साथ में आपको व्यंजन बोलना है और लिखना भी है। तो चलिए लिखना शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले बेटा आप ऑल इन वन के टू लाइन पेज निकालोगे, है ना, और उसके साथ में आपका पेंसिल इरेजर भी तैयार रखोगे। अब मैं आपको क बनाना सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टेप वाइज सीखेंगे आज। तो सबसे पहले आपने आड़ी लाइन, आड़ी रेखा खींचे, उसके बाद में आप एक सीधी रेखा भी खींचोगे, है ना। खींचे आपने ये
यहाँ से आपको यहाँ तक मिला, बन गया अपना क। क से क्या है बताइए? कबूतर। ठीक है बच्चों, अब हम सीखने जा रहे हैं ख। चलिए बनाते हैं अभी ख। ख से खरगोश। तो सबसे पहले आप क्या करोगे देखिए, बनाइए इसके साथ साथ, इसके बाद में यहाँ तक बनाए वो आपको ऊपर लेकर जाना है, इसको ढूंढते हुए नीचे भी लाना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप यहाँ तक बना लिया होगा, बनाए आपने। अब आपको यहाँ से एक छोटा सा गोला बना लेना है, है ना बच्चों? ऐसे ये बन गया हमारा ख। ठीक है बच्चों, बनाए आपने। अब आई ग। चलिए अब बनाते अक्षर ग। ग से गमला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बनाइए इसके साथ में, इसको ऐसे घुमाना है ना बच्चों। एक सीधी रेखा खींचनी है, इसके बाद में आड़ी रेखा। अब बन गया ये ग। ग से गमला, है ना? ग से गमला। अब बनाते हैं घ से घर। सबसे पहले आपको छोटा सा सीख बनानी है, है ना? जोड़ते हुए एक और रेखा को ऊपर लेकर जाएंगे और नीचे लाएंगे, है ना बच्चों? फिर आपको आड़ी रेखा खींचनी है। ये बन गया आपका घर। घर, घर से घर, है ना? घर से घर। अब व्यंजन का पहला लाइन का आखिरी शब्द अंगा, कैसे बनाओगे? एक छोटी लाइन खींचिए, है ना? ये सी बनाइए, इंग्लिश का सी है ना, बनाइए। फिर उसको जोड़ते हुए आपको नीचे की ओर ऐसे लेकर जाना है और एक बिंदु और आड़ी रेखा भी देनी है आपको, है ना? बिंदु बेटा यहाँ आएगा, ठीक है? यहाँ नहीं आएगा बिंदु, यहाँ आएगा। ठीक है बच्चों, तो अंगा ये है आपका अंगा, है ना? तो ये लाइन अभी पूरी एक और बार लिखते हैं। अब पहला लाइन को हम पूरा एक बार लिखेंगे। सबसे पहला आएगा क। ये आएगा ख। इस तरह से आपको ये लिखना है आपके टू लाइन के कॉपी में, है ना बच्चों? ठीक है, और आपको पढ़ना भी है। चलिए हम फिर मिलेंगे।
तक आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। बाय।